आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। माकपा में विगत दिनों मेंढकी रोड पर राजपूत समाज के शक्ति सिंह से करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए थे। इस पर पुलिस द्वारा मात्र मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसको लेकर करनी सेना के उज्जैन जिला व आगर जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने माकपा थाना का घेराव किया। करनी सेना के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों समाज के युवक पर प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा शक्ति सिंह के बयान उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल में लिए गए थे, जिसमें उसने एक नामजद सहित 5 से 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला करने की बात कही थी तथा उसके गले में सोने की चेन तथा हाथ का लॉकेट व करीब ₹1,00,000 व डाबड़ा राजपूत के पिंटू बना से लाया था, जिसकी लूट हुई है। पुलिस द्वारा मात्र मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि लूट व प्राण घातक हमले की धाराएं भी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ कर छोटी धारा में प्रकरण दर्ज किया है, जिसको लेकर करनी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष धन सिंह, शंकर सिंह बटसीमा तथा उज्जैन जिले व आगर जिले के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में करनी सैनिकों ने मागडौन थाने का करीब 1 घंटे तक घेराव कर नारेबाजी की व गैर जमानती धारा बढ़ाए जाने की मांग का ज्ञापन थाना प्रभारी को देकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। माकरौन से ललित परमार की रिपोर्ट। एफआईआर में आपके भाई का बयान ही है, नहीं है बयान, आप उसमें पढ़ लो बयान, नहीं है बयान, आपने अगर दूसरी बयान बयान बदले हैं तो उसमें भी साजिश और चैटिंग हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।